सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्रम और पूंजी के संघर्ष में मजदूरों की एकता को और मजबूत किए जाने का संकल्प लिया गया। वहीं दर्जनों जगहों पर मजदूरों ने सीटू का लाल झंडा फहराया, साथ ही शासक वर्ग के तमाम षड्यंत्रों को ढाते हुए आगे बढ़ने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर मजदूर नेता और सीटू राज्य कमेटी सदस्य संजय पासवान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 70 देश की आजादी के 70 साल बाद में हम हैं, ऐसे समय में केंद्र की वर्तमान केंद्र की सरकार मजदूरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला कर रही है। जो हमारा संविधान के अंदर जो 39 श्रम कानून प्रदत्त है मजदूरों के और कर्मचारियों के अधिकार के लिए, उसको खत्म करके 4 श्रम कोड बिल में बदल दिया गया है और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश ये सरकार कर रही है। मजदूरों का हक की लड़ाई CITU हमेशा लड़ता है, आने वाले दिनों में भी लड़ेगा, और अभी वर्तमान में कोरोना काल में ये सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। और यह देश की अर्थव्यवस्था खोखला होने के चलते देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जिनकी नौकरी है उनके रोजगार छीन लिए गए हैं, पूरी तरह से देश तहस नहस हो गया है। ऐसे में हम मजदूरों के और कर्मचारियों के अधिकार के लिए, नौजवानों को रोजगार बचाने के लिए आज के दिन हम संघर्ष का संकल्प लेते हैं। वही कार्यक्रम में मजदूर नेता महेंद्र तुरी, ऋतिक पासवान, सूरज कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।